अबे तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? जस्टिन बीबर बनने की कोशिश कर रहा है? अबे रिकॉर्डिंग स्टार है। गाइस आप लोगों को सुनाते हैं फिर जस्टिन बीबर का गाना बेबी 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 ओ लाइक बेबी 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 नो लाइक बेबी 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 ओ नो थॉट एंड यू ऑलवेज बी माइन माइन। Hello guys, how are you doing? Hope everyone will be fine and having a good life. So guys, ऐसे ही खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। अबे इसको तो सेट कर दे रहे। तो guys, जो मेरे viewers हैं पहले और अभी जो मेरे channels को देख रहे हैं मेरे नए viewers, तो उनको मैं कहता हूँ welcome करता हूँ और मेरे channel को subscribe कीजिए, like कीजिए और दोस्तों के साथ share करना मत भूलिएगा और bell icon को दबाइए। Guys, आज है हमारा topic, हमने जाना है। पहले तो मेरा थोड़ा सा जो है वो सर थोड़ा सा खुश्क हुआ हुआ है, ड्राई हुआ हुआ है। और मेरा एक दोस्त था अदनान यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह हम 4 साल इकट्ठे रहे हैं और अरसलान भी था, लेकिन अदनान की मैं एग्जांपल बताने लगा हूँ आपको। वो आता था तेल लगा के आता था ना यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता है हर रोज़ ही फिर आता था, समुंदरी से बिलोंग करता है एक्चुअल में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पर्सन है माशाल्लाह। ब्रेन भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है उसका। और वो ना तेल लगा के आता था यूनिवर्सिटी, तो टीचर उसको कहते थे कि तू तेल साथ ही लेके घूम रहा होता है, जहाँ पे ज़रूरत पड़े तूने यूज़ कर लेना। तो समझ तो गए होंगे आप ना, फिर सब आजकल बहुत तेज़ हो गई हैं। अच्छा गाइस, तो आगे चलते हैं। हमने जाना है सबसे पहले अभी लेने जाना है कुछ प्रोडक्ट, देखते हैं कोई ऑयल वगैरह तेल वगैरह देखते हैं। तो कुछ हुआ हुआ ड्राई हुआ हुआ इधर 35 के राउंड अबाउट जो है टेम्परेचर हो गया है, तो एक तो पहले वो लेंगे, उसके बाद फिर हमने अभी जाना है मॉल में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जाना है, अगर टाइम मिला तो मेरी एक ख्वाहिदी आई हुई है वो लेंगे, ख्वाहिदी बोलते हैं कुरियर को, तो वो लेंगे। और उसके बाद हमने जाना है आज बारबेक्यू खाने के लिए, और शिनजियांग का बारबेक्यू खाने जाना है जो हलाल होता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, मज़ा आएगा, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और गाइस ये है कि काफ़ी अच्छे से इधर जो है हर चीज़ अवेलेबल होती है, महंगी ज़रूर है लेकिन उसका टेस्ट और मैार काफ़ी अच्छा होता है। तो थैंक यू सो मच, चलें फिर चलते हैं। तो गाइस अब है टाइम बाहर जाने का, तो चलें। अभी जाना है मॉल में, मॉल से कुछ सामान लें और फिर जो मज़ा है ना, फिर आपको पता है कि ऊपर रहने का तो वो नहीं है, फिर सिस्टम कहीं पे भी फ्लोर होना चाहिए आपका कोई 7वां 8वां 10वां 12वां, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से मंजर बाहर रोड पे दिखाई दे। और यही फ़ायदा है कि वो फ़ायदा भी इसी चीज़ में है कि आप इधर आए हो, ये नहीं कि फर्स्ट फ्लोर पर रहने लग जाओ। पैसे लगते हैं थोड़ा सा ऊपर जाने पे, हमारे उधर लगते हैं पैसे ऊपर जाने पे कम, इधर नीचे जो है वो कम पैसे लगते हैं, ऊपर जाने पे पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो ये है कि जो है बाहर देखना पड़ता है, बड़ा अच्छा व्यू आता है आपकी विंडो से, तो इसी के पैसे ही हैं इधर। बाकी अभी मॉल में जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, और सामान खरीद के हम आएंगे वापस अपनी कुरियर सर्विस लेने। गाइस अभी हम बाहर हैं, अभी जाना है मॉल में, और इशारा लगा हुआ है आपको दिखा सकता हूं मैं, अभी कर रहे हैं वेट। और यार इतनी तरक्की का राज क्या है इनकी? इनकी तरक्की का यही राज है कि इन्होंने हर काम में बड़ी महारत हासिल की है, और स्पेशली ये है कि हर जगह पर मॉल्स हैं हमारे, जहाँ जैसे दुकानें हैं वैसे इनके मॉल्स हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगता है यार कि इतने अच्छे मुल्क में हम आए हुए हैं और हर किस्म की सहूलत इधर मौजूद है, किसी किस्म की चीज़ लेनी हो मॉल्स में है, अगर नहीं अवेलेबल तो आप तौबा कर सकते हैं, यानी बड़ा कन्वीनियंट सा वे है और आसानी के साथ चीज़ आपके घर तक पहुंच जाती है। हमारे तो उधर रिवाज ही नहीं है ऑनलाइन का इतना, अभी कुछ पॉपुलर हो रहा है लेकिन टाइम लगना है उसको। तो अभी जा रहे हैं मॉल की तरफ। ये शॉपिंग मॉल का नाम है जी लियोंहुआ, इस लोगों को शायद कुछ लोग पहचानते हो, तो काफ़ी अच्छा सा मॉल है, अभी हम एंटर होते हैं इसमें। काउंटर है, कोई स्पेशल चीज़ आप इधर अपनी रख सकती हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है।
अच्छा सा मॉल है और अभी ये इतने बड़े नहीं हैं जितने के बड़े होने चाहिए थे मॉल, जैसे कि दूसरे मॉल्स में। सो गाइस, ये सारे कंपार्टमेंट्स जो हैं ये सारे शावर्स वगैरह के लिए हैं और शैम्पू वगैरह ऑयल वगैरह सारा इधर से मिलता है। लेकिन लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि ऑयल वगैरह इनके पास नहीं है। इसने मुझे कहा है कि हमारे जो बंदे हैं उनके सर जो हैं वो खुश्क नहीं होते, डैंड्रफ नहीं होता। तो मैंने कहा हाउ इट कुड बी पॉसिबल, ह्यूमन बीइंग है तो ऐसे कैसे हो सकता है। हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और सबको ज़रूरत पड़ती है। तो उसने मुझे ना एक चीज़ रिकमेंड की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये ऑयल नहीं मिला तो ये उसने मुझे रिकमेंड किया है मॉइस्चर हेयर स्प्रे, मॉइस्चर हेयर स्प्रे। तो अभी परचेज़ करते हैं ये और इसको ट्राई करते हैं। गाइस ये मेरे स्नैक्स हैं, इधर से मैं लेता हूँ स्नैक्स और ये आधा किलो बनते हैं 9 रुपए के तकरीबन। और अभी हम ख़रीदते हैं ये स्ट्रॉबेरी का, काफ़ी अच्छा सा है। चलें देखें, सारे स्टेबलाइज़र पड़े हैं इनके पास ऐसे ही। ये आपके भाई का सामान है, 5.45 बने हैं, अभी पे करते हैं इस सामान के। अभी मैं जा रहा हूँ बारबेक्यू शॉप पे और बारबेक्यू खाते हैं। और ऐसे तो फिर रोड पे आपको पता है चलने का काफ़ी मज़ा आता है, और देख के चलता हूँ वैसे तो एहतियात करके पूरी। तो बारबेक्यू खाने जा रही हैं, काफ़ी अच्छा सा बनाते हैं। ये होता है कि कभी कभी जुमे को भी जाता हूँ, हफ्ते को भी चला जाता हूँ कभी कभी, लेकिन उधर फिर बियर भी पी रहे होते हैं कई लोग बैठ के। और थोड़ा सा दूर होते हैं, मुस्लिम रेस्टोरेंट पे तो नहीं पीने देते वो, लेकिन दिखाता हूँ आपको। चलें, ऐसे समझाने से नहीं पता चलेगा, दिखाने से पता चलेगा। मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक फनी सी आइटम, और ये देखें ज़रा, सारे बॉडी बिल्डर जो है वो बैठे हैं और फुल बियर चल रही है इधर, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, और पी रहे हैं। आज है सैटरडे, तो सैटरडे पे ये क्या करते हैं, सारे पीते हैं और बारबेक्यू खाते हैं, हर चीज़ करते हैं। ये देखें ज़रा, बियर रखी हुई है, और क्लबों में भी जाते हैं, पूरा यौम हॉल करते हैं फिर ये ना सैटरडे को, क्योंकि संडे को होती है छुट्टी इनको, सैटरडे को भी छुट्टी होती है। कई कंपनियाँ चल रही होती हैं, कईयों में बिज़नेस नहीं हो रहा होता। तो मैंने आपको ये दिखाना था, ये मैं जो आया हूँ ये है शिनजियांग रेस्टोरेंट, काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है इधर का, और हर किस्म का बारबेक्यू इधर मौजूद है नान के साथ, और काफ़ी टेस्टी सा बनाते हैं, और खा के पता चलता है कोई चीज़ आप लोगों ने खाई है। मैं आप लोगों को इनका किचन भी दिखाता हूँ, किचन के अलावा कुकिंग भी लाइव होगी उधर, और इनके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इनके पास है बारबेक्यू में, और टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बड़ा अच्छा है। आपके पास टाइम नहीं हो तो फिर ऐसे ही करता हूँ मैं कि इधर आ जाता हूँ। अभी मैं आया हूँ लेट थोड़ा सा, तकरीबन 10 बजे। तो 10 बजे के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाता हूँ और ख़ुद भी खाता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था बनाने का, कुछ करने का। सो आई डिसाइडेड आई नीड टू गो देयर बाय मायसेल्फ एंड शो यू अबाउट ऑल द स्टोरी ओवर हियर एंड टेल यू अबाउट द शिनजियांग रेस्टोरेंट एंड देयर फूड। सो अभी चलते हैं हम उधर और आपको दिखाता हूँ। चलें, ये इनका रेस्टोरेंट है, अभी जाते हैं और दिखाता हूँ आपको। ये देखें आपके भाई की, ये चार ये हैं यांगरो, यानी यांगरो बोलते हैं बीफ मटन को, ये चिकन, और ये है जी लीवर,
और ये है हमारा पंगियो। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टेस्टी है और शिनजियांग के बारबेक्यू का तो अपना ही मज़ा है ना। सारी चीज़ें अपनी जगह, उनका बारबेक्यू अपनी जगह। अमेजिंग है यार, जिसने ये नहीं ना खाया उसने कुछ भी नहीं खाया फिर चाइना। मैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद करता हूँ उधर वो है इनका बारबेक्यू। उसके अलावा फिर दूसरा काम है। बारबेक्यू करते हैं फुल अच्छे वाला। देखो एक कुरान जी माँ ना नी गौसुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम माशाल्लाह। तो एक तो इधर लाइट का बड़ा मसला ना, इस वजह से मैं बाहर से नहीं आपको बनाता होता इसकी ख्वाहिशी वाले की, तो अंदर ही जाते हैं अभी। तो जी अभी आए हैं शॉप पे और देखते हैं कि तो गाइस अभी हम लेने आए हैं इससे अपनी ख्वाहिशी और कुरियर लेके फिर हम जाएंगे। काफ़ी अच्छा सा दोस्त है मेरा ये बन गया है और इधर से फिर मैं कोई ड्रिंक श्रिंक भी दे जाता हूँ। अभी हम जा रहे हैं वापस और इसको बोलते हैं बाय बाय बाय। तो ये ख्वाहिशी है जी मिली है अभी हमने ली है ये अपने कन्वीनियंस के लिए। मैंने खाना जो थी वो मशीन खरीदी है प्याज वगैरह बनाने में, टमाटर वगैरह करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो घर चलते हैं उधर जाके इसको करते हैं ओपन। तो गाइस ये मेरा पार्सल आ गया है, तो दिखाने वाला पार्सल है तो आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगा। ये चॉपिंग मशीन मैंने इधर से खरीदी है ताओबाओ से, और ताओबाओ एक किस्म की एप्लीकेशन है ऑनलाइन जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। गाइस इससे क्या होता है, आप टमाटर वगैरह चॉप कर सकते हैं और अनियन वगैरह आप चॉप कर सकते हैं, उसमें फिर लहसुन अदरक भी आप कर सकते हैं इसमें अपना चॉप। और काफ़ी टाइम नहीं मिलता इधर खाना बनाने का, बहुत मुश्किल लगता है कटिंग करना सारा कुछ करना। अभी ये मशीन आ गई है इसमें हम करेंगे सारा कुछ चॉप वगैरह, और देखें कितनी छोटी सी मशीन है ये। ये देखिए ये मशीन है, इसमें ब्लेड वगैरह भी लगे हुए हैं। अभी इसको हम यूज़ भी करेंगे। अभी हम प्याज को डालने लगे हैं इसमें और प्याज डाल दिया, अभी इसको रखते हैं ऊपर। तो गाइस जैसा मुझे प्याज चाहिए था इसने कर दिया है वैसा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा प्याज इसने बना दिया है और बहुत खूबसूरत सा बन गया है प्याज जी, जैसा मुझे चाहिए था वैसा प्याज बन गया।